नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत मुंदड़ा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी ने पिज्ज़ा तो ज़रूर से खाया ही होगा, लेकिन कभी आपने 5 रुपये का पिज्ज़ा खाया है क्या? आई होप सो नहीं खाया होगा। पर आज मैं आप सभी को उस पिज्ज़ा के बारे में बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी कि वो कैसा है। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम हमारे पिज्ज़ा की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पिज्ज़ा है वो है ये आपका जली पिज़्ज़ा। तो इसका MRP है 5 रुपया और हम आज यही पिज़्ज़ा खाने वाले हैं और इसी के बारे में आज हम प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और हमारे इस जली पिज़्ज़ा वाले प्रोडक्ट के लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारे जो ये प्रोडक्ट है, ये इसकी जो कंपनी है वो है आपका क्रेजी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आपकी इंदौर में है। और इंदौर चूँकि इंडिया में है और इंडिया का ही एक सिटी का नाम है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है एंड इसका जो ब्रांड भी है वो भी आपका इंडियन ही है। तो अब दोस्तों, ये तो हो गए इसके कंपनी का नाम। अब हम दोस्तों आते हैं इसके वजन के ऊपर में। तो इसका जो वजन है वो है आपका 18 ग्राम, मतलब ये एक पीस जो है वो आपका 18 ग्राम का पिज्ज़ा है, जली पिज्ज़ा है। और अब दोस्तों हम आते हैं इसके वेज एंड नॉन वेज के ऊपर में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका वेज का साइन दिया हुआ है। और अब दोस्तों हम आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर में, जिससे ये बनता है। तो उसमें आता है आपका सबसे पहले तो शुगर, फिर आता है आपका लिक्विड ग्लूकोज, फिर इसमें आता है आपका पेक्टिन E440, एसीडुलेंट E330, साइट्रेट E331, फिर इसमें आता है दोस्तों आपका एडेड सिंथेटिक परमिटेड फूड कलर E110, E122 और इसमें आता है आपका E12। ये तीनों जो मैंने E122, E12 और E110, ये सब आपका क्या चीज़ है इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। और इसका जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है आपका कंटेनिंग आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंस ऑफ लीची एंड स्ट्रॉबेरी। तो ये थे दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स। और अब दोस्तों हम आते हैं कि ये कैसा दिखता है और ये कैसा होता है। तो चलिए मैं इसे खोल देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने निकाल लिया है। हालांकि लगता है इसमें इसने उल्टा दे दिया है। तो बेसिकली हमें इसमें एक चाकू मिलता है और साथ ही मैं इसे पलट दिया हूँ जो उल्टा था। तो ये कुछ इस तरीके का मिलता है, जिसमें ये जो है आपका पार्ट जो है ये स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवरिंग पार्ट है, ठीक है ना, जो रेड रेड आप देख रहे हैं बाहर, बाकी ये आपका लीची का है, लीची फ्लेवर में है। तो कुछ इस तरह से है ये आपका पिज़्ज़ा। और इसको काटने के लिए छोटा सा नाइफ भी दिया गया है, तो आप अपना जली पिज़्ज़ा इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे कट करता हूँ और खाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये अपना छोटा सा पिज़्ज़ा काट लिया है स्लाइस। और तो गाइस, ये मैंने टेस्ट कर लिया है अब। तो इसको टेस्ट करने के बाद मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें जो मतलब जेली जैसा तो है ही बिल्कुल, और इसमें जो स्ट्रॉबेरी का जो टेस्ट है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। या यूँ कहूँ कि इसमें जो लीची है, चूँकि ये लीची का सरफेस ज़्यादा है, तो उसके कारण लीची का टेस्ट में स्ट्रॉबेरी का टेस्ट इसमें दब चुका है और जिसके कारण वो नहीं आ रहा है। तो बेसिकली अगर किसी को ये पिज़्ज़ा खाना है जो लीची लवर्स है, मतलब लीची का टेस्ट जिनको ज़्यादा पसंद है, तो वो ऐसे जल्द से ट्राई करेंगे, उनको ज़रूर पसंद आएगा। पर जिनको अगर स्ट्रॉबेरी का टेस्ट ज़्यादा पसंद है, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको ये जली पिज़्ज़ा खाना है तो आप जैसे ट्राई कर सकते हैं। और मुझे भी नीचे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसमें मैं मतलब इसका जो टेस्ट है उसके हिसाब से लीची का जो टेस्ट है, तो जैसा हम लोग लीची जूस पीते हैं वैसा ही बिल्कुल टेस्ट आता है। तो उस हिसाब से तो मैं अगर दूँ तो मतलब इसको टेस्ट में मैं 80 दूंगा। और इसका क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, तो उस क्वालिटी में मैं इसे 90 दूंगा, तो आउट ऑफ 100। तो ये था दोस्तों इसका टेस्ट एंड क्वालिटी और इस ये पिज़्ज़ा हमारा। और दोस्तों, हमारा जो आज का जो ये वीडियो था इस प्रोडक्ट को लेके, तो वो बस यही तक था। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जरूर से लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हम आपसे हमारी अगली वीडियो में मिल सके और आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस जरूर से आ सके। तो मिलते हैं दोस्तों हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।